कानून कागजों में ना हो, कानून का पालन हो। पुलिस के सामने नाक ना रगड़नी पड़े, धरना ना देना पड़े, पुलिस अपना काम करे। पुलिस से राजनीतिक दबाव हटाया जाए, ठोस कार्रवाई होगी, 6 महीने में 8 महीने में सजा होगी, तो अपराध करने वाले लोगों का दिमाग ठीक हो जाएगा। प्रधानमंत्री नोटबंदी की तरह कर दें संबोधन, ले आए अध्यादेश और कर दें ऐलान कि आज के बाद सारी जातियां खत्म, सभी होंगे भारतीय। ऐसी समुदाय के साथ देश भर में जाति के नाम पर बढ़ रहे जातीय भेदभाव, अत्याचार व बेरहमी से मारपीट की जघन्य घटनाओं पर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने NDTV पर एक इंटरव्यू के दौरान जो कहा, उसे कहने की सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठे दलित समाज के नेता आज तक कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। मुझे दो तीन चीजें आपसे कहनी, क्योंकि NDTV एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरे बहुत लोग सुनेंगे इसको। अगर ये वीडियो ना बनती तो शायद उस परिवार के लोग जाते तो जो कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति हुई है वही होती, कि उन्होंने कहा अपनी मर्जी से FIR लिख लिया। अब आप बताइए कि जब पुलिस के लोग अपनी मर्जी से FIR लिखेंगे तो फिर जो ऑफेंस लगने हैं वो कितने हल्के होंगे, और जो FIR लिखी गई है उसमें ऑफेंस जो है बहुत हल्के हैं, भविष्य में जाके इस पे किसी को सजा वजा होने वाली नहीं। एक और बड़ी बात कि 15 साल के बच्चों में, 18 साल के बच्चों में जातिवाद का जहर किसने उनके अंदर भर दिया है? उनको जाति का पता, उनको धर्म का पता कहाँ पढ़ाया जाता है, किस स्कूल में, किस कॉलेज में? ये तो घर से बताया जाता है। पहले तो जिन लोगों ने जाति को आधार बनाया, जातियां बनाई, उन्होंने इस देश के साथ धोखा किया, इस समाज को बांटने का काम किया, और अब जाति का जो वर्चस्व जो लोग मान रहे हैं वो असली दोषी है। अपने परिवार के बच्चों को समानता समझाना चाहिए कि सब लोग इंसान है, लेकिन हम इंसान बनाने की जगह नफरत अपने बच्चों में पैदा कर रहे हैं। इसका खामियाजा आने वाले कल में उनको भुगतना पड़ेगा जो इस नफरत को फैला रहे हैं। जिस लड़की के साथ ये हादसा हुआ वो एक माइनर है और 8 लोग अरेस्ट हुए हैं, उनमें से भी बहुत माइनर हैं, ये क्या बताता है हमें? मैं यही बताता हूँ कि अगर फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने छोटे हैं, क्योंकि अगर स्कूल में सिखाया जाता तो मैं सम्मान लेता कि ऐसे स्कूल बंद कर देना चाहिए जहां जातिवाद सिखाया जा रहा हो, लेकिन ये सिखाया जा रहा है घर में। आज भी लोग जाति के बैनर से बाहर नहीं निकलना चाहते। बाबा साहब ने किताब लिखी थी इनलेशन ऑफ कास्ट, जाति का बिजनेस। उनको लगता था कि जब तक इस देश से जातियां नहीं खत्म होंगी भाईचारा नहीं बनेगा, और ये एक षड्यंत्र है। ये एक षड्यंत्र है कि लोग, हम लोग जो वंचित वर्ग के लोग हैं, इस परेशानी से बाहर ना निकले। रोज हमें एहसास करा जाए कि हम छोटे जाति के, बच्चा कह भी रहा है तुम छोटे हो, छोटे रहोगे, जिससे कि हम पढ़ने लिखने की तरफ ध्यान ना दे, इसी परेशानी में घूमते रहे कि हम छोटे हैं। हम कहां से छोटे हैं, वो कहां से बड़े हैं, उनको क्या सींग लग रहे हैं, हम कहाँ छोटे हैं। हम भी मेहनत करके, एक ही प्रक्रिया से बच्चे पैदा होते हैं, हम लोग मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो सरकार ने हमें दिया है सिस्टम ने, उसी पे हम लोग वो कर रहे हैं ना, हमारे पास ज्यादा बिजनेस है। चंद्रशेखर आजाद, इसका तोड़ क्या है? क्योंकि अगर आप आंकड़े देखेंगे, NCRB का डेटा ये कहता है कि ये कास्ट क्राइम जो है ये हर साल बढ़ते ही जाते हैं। हम कितनी भी तरक्की कर रहे हैं, ये कास्ट क्राइम जो है बढ़ते ही जाते हैं। आप जो है इस पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं, आप चुनाव भी लड़े थे, बट इस टाइप की राजनीति को, आपकी टाइप की राजनीति को, जिन मुद्दों के लिए आप खड़े होते हैं उनको फिर वोट नहीं मिलते, तो तोड़ क्या है? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता वोट मिलते हैं नहीं मिलते हैं, इसका मतलब हम आवाज उठाना नहीं बंद कर सकते हैं। हमारा काम है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, वो हम कर रहे हैं। तोड़ आप जानना चाहती हैं, तोड़ भी सुन लीजिए। पहला तोड़ ये है कि कानून कागजों में ना हो, कानून का पालन। अगर किसी को, किसी का रेप या हत्या, इस तरह का अपमान हुआ है तो उसको पुलिस के जाके आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े, पैसे ना देने पड़े और नाक ना रगड़नी पड़े, कोई धरना ना करने पड़े, पुलिस अपना काम करे, पुलिस से सरकारी दबाव, राजनीतिक दबाव हटाया जाए। पहली बात कि अगर ठोस कार्रवाई होगी, कन्वेंशन रेट अच्छे होंगे, उससे भी अच्छी बात है कि अगर 6 महीने में, 8 महीने, 10 महीने में केस खत्म होगा तो शायद मुझे लगता है लोगों को सजा मिलेगी, तो लोगों का दिमाग ठीक होगा। दूसरी बात, दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि जिनके पास पॉलिटिकल पावर है, जो सत्ता में, वो लोग कर सकते हैं। क्यों नहीं जाति खत्म कर देते हैं? सब लोग इंसान हो जाएंगे, इंसान हो जाएंगे तो सब लोगों की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, सब लोग मिलजुल के अपना आगे बढ़ने के रास्ते खोजें। तो जातिवाद खत्म करने में कभी कोई पार्टी के किसी एजेंडे में नहीं है, ना बहस होती। हमें जाति से परेशानी है कि हम चाहे कितने भी आगे बढ़ जाएं, जाति के आधार पर हमें डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ेगा, इसलिए हम रोज चिल्लाते रहते हैं, लोगों को हम जातिवादी लगते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, सरकार जैसे, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, प्रधानमंत्री मोदी जैसे, उन्होंने एक दिन कहा था रात को, उन्होंने 8 बजे आके कहा कि आज के बाद ये 1000 और 500 का नोट नहीं चलेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, मौका है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो आप भी वो कर दीजिए। RSS के लोग कहते भी हैं कि हम एकजुट करना चाहते हैं, तो आप
घोषणा कर दीजिए कि तो आपसे कोई आप कह रहे हैं दैट इफ देयर इज पॉलिटिकल विल गोइंग फॉरवर्ड टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ए इफ देयर इज पॉलिटिकल कानून will, बनाने की ताकत तो यहाँ सरकार के पास ही ना संसद में, तो आप ले आइए ओके एक अध्यादेश तो कानून बना दीजिए कोई जाति के आधार पर जो है किसी की जाति नहीं होगी, सब लोग भारतीय होंगे, तो हम लोग तैयार है इस फैसले का स्वागत करने के लिए।